दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी आईफा अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है और पिछले साल की तरह ही सलमान खान इस साल भी इस अवार्ड शो में चार चांद लगाने वाले हैं और शायद एक बार फिर से फैंस को उनके एक्सेस के साथ उन्हें दोबारा देखने का चांस मिलने वाला है। पिछले साल भी सलमान खान इस अवार्ड शो में शरीफ हुए थे और उन्हें उनके एक्स ऐश्वर्या राय के हस्बैंड अभिषेक बच्चन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हुए भी देखा गया था। अब एक बार फिर से अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान फिर से इस ऑकवर्ड सिचुएशन में नजर आएंगे। कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को इस अवार्ड शो में प्रमोट करती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिसमें उनके साथ सलमान खान काम कर रहे हैं। हालांकि सलमान खान ऐश्वर्या राय के मुकाबले कैटरीना कैफ के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और क्लोज भी है, लेकिन कैटरीना कैफ के हस्बैंड विकी कौशल और सलमान खान की इक्वेशन कैसी होगी इस अवार्ड शो में, ये देखने वाली बात होगी। गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।